Hello everyone, so today I'm going to upload another video, which is again a context specific video. This video will include words from the real estate domain, and I hope this video is helpful for you to understand and get yourself acquainted with words that come up in this context. So without further delay, let's begin. So the first word is gusalkhana, bathroom. So basically, when a real estate agent is showing or describing a property to a customer, so he will be using words like there are two bathrooms in the house and one toilet, one parking, something like that. So in that case, this is in English and you have to convert that into Hindi. So in such cases, we will use the word gusalkhana for bathroom. You can also call it snan ghar, but gusalkhana is a much better word. Okay. The next is shauchalay, toilet, alag, separate, achal sampatti, real estate. Achal is a real estate, okay? Achal sampatti, immovable property, so real estate. Mukhtar nama, power of attorney, anuband, contract or a bond. So they will usually say that, okay, you have to pay this much amount as bond. Okay, so it will be said in the dialogue in English. So you have to know the Hindi word for bond, which is anuband. Okay, a contract or a bond, both can be translated as anuband. Samjhota, agreement. So usually it will come in terms of a rental agreement. So kiraye ka samjhota. Okay, basna is to settle. So I have settled in Sydney for the past 4 years. I'm looking for a change, something like that. So main Sydney mein basa hua hoon pichle 3 saal. Umedwar, candidate. So usually how it comes in the context is that sometimes the real estate agent will say that, okay, the real estate or the landlord will check all the applications and will choose the right candidate. Okay, to makan malik sare avedan dekhenge aur uske hisab se वह कोई एक सही उम्मीदवार चुनेंगे. ठीक है, घर के लिए आवेदन, एप्लीकेशन फॉर द होम. किराए का समझौता, लाइक आई सेड बिफोर, रेंटल एग्रीमेंट. सड़क पर, ऑन रोड और ऑफ स्ट्रीट. ओके, सो यूजुअली इट इज कमिंग अप इन अ कंटेक्स्ट वेयर द एजेंट विल टेल यू दैट देयर इज टू ऑफ स्ट्रीट पार्किंग अवेलेबल. ओके, सो ऑफ स्ट्रीट पार्किंग, सो ऑफ स्ट्रीट कैन बी से दैट कैन बी ट्रांसलेटेड दैट सड़क पर. ओके, गाड़ी खड़ी करना, टू पार्क. ओके, आप पार्क भी बोल सकते हैं, दैट्स नॉट रॉन्ग, बट इफ यू से दैट ओके आप अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी करें, दैट विल बी अ मच बेटर वे टू ट्रांसलेट. पार्किंग की जगह, पार्किंग स्पेस. सही पता, एग्जैक्ट एड्रेस और करेक्ट एड्रेस. सो समटाइम्स द एजेंट विल से कैन यू टेल मी द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी दैट यू सॉ. सो इन दैट केस यू कैन से दैट क्या आप मुझे वो सही पता बता सकते हैं जहाँ पे आपने संपत्ति देखी. संपत्ति, प्रॉपर्टी. निरीक्षण, इंस्पेक्शन. दो शयन कक्ष का अपार्टमेंट, दैट इज टू बेडरूम अपार्टमेंट. ओके, अपार्टमेंट कैन बी ट्रांसलेटेड एज दिस. एंड टू बेडरूम, यू कैन ऑल्सो से टू बेडरूम, दैट्स नॉट रॉन्ग. दो बेडरूम, आपको टू को तो ट्रांसलेट करना ही पड़ेगा. डू नॉट यू नो ट्रांसलेट इट एज टू, बिकॉज दैट वुड बी रिजल्ट इन मार्क्स बींग कट. सो दो शयन कक्ष का कमरा या दो शयन कक्ष का अपार्टमेंट, सॉरी. सो टू बेडरूम अपार्टमेंट. निर्णय, डिसीशन. अंतिम निर्णय लेने में लगने वाला समय, दैट इज द टाइम टेकन टू मेक अ फाइनल डिसीशन. अंतिम निर्णय लेने में लगने वाला समय, दैट मीन्स यूजुअली द एजेंट विल आस्क द कस्टमर दैट हाउ मच टाइम डू यू नीड टू डिसाइड, और द कस्टमर विल आस्क द एजेंट हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू हैव अ फाइनल डिसीशन फ्रॉम द होम ओनर. निश्चित रूप से, सर्टनली. मकान मालिकों का संघ, दैट इज होम ओनर एसोसिएशन. पहली बार घर खरीदने वालों को, दैट इज फर्स्ट टाइम होम बायर्स. ओके, कर रियायत, टैक्स कंसेशन. सो इन ऑस्ट्रेलिया द फर्स्ट टाइम होम बायर्स गेट अ टैक्स कंसेशन एंड ऑल्सो दे गेट सम अमाउंट. सो दिस इज इन दैट कंटेक्स्ट. ओके, सरकार द्वारा दी गई अनुवृत्ति, दैट इज गवर्नमेंट सब्सिडी. सरकार द्वारा दी गई अनुवृत्ति, अनुवृत्ति इज सब्सिडी. ऑस्ट्रेलियाई संपत्ति अनुदान, दैट इज ऑस्ट्रेलियन प्रॉपर्टी ग्रांट. ओके, संपत्ति की कीमत, एसेट वैल्यू और प्रॉपर्टी वैल्यू. एसेट इज ऑल्सो ट्रांसलेटेड एज संपत्ति. संपत्ति संबंधी दस्तावेज, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट. संपत्ति विवाद, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट. क्षतिपूर्ति का दावा, क्लेम डैमेजेस. ओके, क्षतिपूर्ति इज
डैमेज, क्षति इज डैमेज, क्षतिपूर्ति का दावा क्लेम डैमेज. द नेक्स्ट वर्ड रियल एस्टेट परामर्शकार, दैट इज रियल एस्टेट कंसल्टेंट. ओके, रियल एस्टेट कैन बी ट्रांसलेटेड एज इज, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. रियल एस्टेट परामर्शकार या सलाहकार, ओके, रियल एस्टेट कंसल्टेंट. कार्यालय ऑफिस. संपर्क विवरण कॉन्टैक्ट डिटेल्स. सो यूजली द एजेंट विल से ओके प्लीज लीव योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स विथ अस, वी विल रीच आउट टू यू. ओके, सो आप अपने संपर्क विवरण हमारे साथ दें, हमें दे दें, तो हम आपको संपर्क कर लेंगे. ठीक है. उपभोक्ता अदालत कंज्यूमर कोर्ट. पीने के पानी की आपूर्ति ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई. भरपूर इन प्लेंटी, यूजली दिल से दैट द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इज अ प्लेंटी हियर. सो आपको बोलना है कि पीने के पानी की आपूर्ति यहाँ पे भरपूर है. ओके. माले पर या माला फ्लोर. निचला माला लोअर फ्लोर, भूमि तल ग्राउंड फ्लोर. ऊपरी माले पे ऑन द अपर फ्लोर. नलका फॉसेट और अ पाइप. ओके, नलके में रिसाव है. ओके, लीक इन द पाइप. सो यूजली यू विल कॉल अप द लैंडलॉर्ड एंड टेल हिम दैट देयर इज अ लीक इन द पाइप समवेयर. सो या लीक इन द बाथरूम समवेयर लाइक दैट. ओके, मकान मालिक लैंडलॉर्ड. जमींदार आल्सो कैन बी ट्रांसलेटेड एज लैंडलॉर्ड. सामान्य क्षेत्र कॉमन एरिया. दो घरों के बीच में यह सामान्य क्षेत्र है या सामान्य जगह है. ऑर्डिनरी स्पेस या कॉमन एरिया. ओके, घर के इर्द गिर्द अराउंड द हाउस. रख रखाव मेंटेनेंस. अनुचित दैट इज अनफेयर. जमा राशि डिपॉजिट. सुरक्षा जमा राशि सिक्योरिटी डिपॉजिट. वकील नियुक्त करना अपॉइंट अ लॉयर. ओके, कब्जा फोर्सफुली ऑक्यूपाई. दखल इंटरफियर. अग्रिम भुगतान एडवांस पेमेंट, और यू कैन ऑल्सो ट्रांसलेट डाउन पेमेंट एज अग्रिम भुगतान. ओके, दैट वोंट बी रॉन्ग. घर मालिक या मकान मालिक होम ओनर. संपत्ति कर प्रॉपर्टी टैक्स. बैठक कक्ष लिविंग रूम. स्नान घर लाइक आई सेड बिफोर, यू कैन आइदर कॉल इट घुसल खाना या फिर स्नान घर विच इज बाथरूम. रसोई किचन. खेलने का कमरा प्ले रूम और अ गेम रूम. ओके, बच्चों का कमरा चिल्ड्रंस रूम. पढ़ाई का कमरा स्टडी रूम. बरामदा पोर्च. गलियारा या दालान इज कॉरिडोर और हॉलवे. ओके, आवेदन पत्र एप्लीकेशन फॉर्म. प्रपत्र फॉर्म. सो गाइज, दिस इज द होल सेट ऑफ रियल एस्टेट रिलेटेड वर्ड्स, एंड दीज आर द वर्ड्स दैट आई केम अक्रॉस ड्यूरिंग माई डायलॉग्स वेन एवर आई वॉज प्रैक्टिसिंग फॉर नाठी. I hope these words are also favorable to you, and you are able to solve more dialogues easily and translate them with the help of this list for real estate context. Do like, share, subscribe and comment on this video, and please do leave your feedback so that I can improve the content that I am uploading on this channel. All the best guys, hope you do well in your exam. Thanks.